नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रांड रिपोर्टर आज प्रस्तुत हूँ जीएसटी कलेक्शन का। जीएसटी कलेक्शन जुलाई महीने में 146,393 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ, जो कि पिछले साल पिछले जुलाई 2020 से की तुलना में 33% की ग्रोथ हुई है। लास्ट ईयर जितनी कलेक्शन हुई थी उससे 33% ज़्यादा कलेक्शन हुआ। इसके अलावा जीएसटी में सेस की मदद से, जीएसटी की सेस की वजह से 7,790 करोड़ रुपए के मिले हैं और केंद्र ने हेल्प करी है 7,790, मतलब 7,800 करोड़ रुपए के आसपास केंद्र सरकार ने हेल्प करी है। इसमें जीएसटी कलेक्शन में 116,393 करोड़ रुपए जो हुई है उसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अकेला, केवल महाराष्ट्र गवर्नमेंट का 18,900 रुपये का योगदान है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से 18,900 करोड़ रुपये का जीएसटी का योगदान रहा है, तो है नहीं ये गर्व की बात। एंड प्राउडली यस वी मेक इन इंडिया, प्राउडली यस वी मेक इन इंडिया, प्राउडली यस वी मेक इन इंडिया। जब महाराष्ट्र की बात आई है तो एक न्यूज़ और है महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र ने अभी कुछ समय पहले प्रॉपर्टी में ड्यूटी कट करी, स्टाम्प ड्यूटी कम करी है। प्रॉपर्टी खरीदो और स्टाम्प ड्यूटी कम दो, जिसकी वजह से केवल जुलाई महीने में महाराष्ट्र में 9,037 यूनिट की रजिस्ट्री हुई है, 9037 यूनिट्स, जबकि पिछले साल जुलाई में 2,662, मतलब 2,662 और कहाँ 9,037 यूनिट, तो 57% की ग्रोथ हुई है 2019 को देखते हुए, तो है नहीं गर्व की बात। एक बात, जब स्टाम्प ड्यूटी की बात आई है तो महाराष्ट्र दिल्ली वगैरह में तो बहुत अच्छी कलेक्शन है या जो भी सिस्टम बना हुआ गवर्नमेंट का, लेकिन इतने पेमेंट देने के बाद भी जैसे करीब करीब 4%, 5%, 6% रजिस्ट्री के स्टाम्प ड्यूटी पेपर लगते हैं, इसके अलावा 2% तो प्रॉपर्टी डीलर ले जाता है रजिस्ट्री करने का नाम का, सेल परचेज के प्रॉपर्टी डील कराने के नाम पर 1% पार्टी सामने वाली पार्टी से, 1% बेचने वाली तरफ से, 1% खरीदने वाले की तरफ से, वो भी चलो ठीक है। तो 6% हाइस्ट स्लेब स्टाम्प पेपर प्लस 2% आपको ब्रोकर के हुआ, 6 तो 8%, 1% लगता है डीसी दिल्ली में डिप्टी कमिश्नर के नाम पर, 1% आपका ड्राफ्ट लगता है, 9% और 1% खर्चा आता है जो बाबू रजिस्ट्री करवाते हैं। रजिस्ट्री जिसे रजिस्ट्री कराना भी इट्स नॉट ईजी, करीब करीब आप लमसम मान के चलो कि 10% का खर्चा आता है। अगर आपने कोई एक प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपये के लिए है तो करीब करीब रजिस्ट्री कराने तक, फाइनल हैंडओवर तक आपको करीब करीब 10% का खर्चा एक्स्ट्रा मान के चलना पड़ेगा। अगर आपने 1 करोड़ का बजट है तो 1,10,00,000 रुपए ही आपको मानना पड़ेगा, या 90,00,000 की प्रॉपर्टी लो उसमें आपको 1 करोड़ रुपए के आसपास में खर्चा में होगा काम, क्योंकि प्रॉपर्टी स्टाम्प पेपर ये वो करके जो खर्चे बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। पहले नॉर्मल खर्चे में काम होता था, जैसे 2,000 दे दो, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, स्टाम्प पेपर भी कितने थे 10,000 रुपये के, 5,000 रुपये के, इस तरह के स्टाम्प पेपर थे। अभी इन दिनों 10 साल से प्रॉपर्टी टैक्स में काफ़ी ग्रोथ हुई है। जब हम बात करते हैं रजिस्ट्री की, स्टाम्प ड्यूटी की, तो एक बड़ा अच्छा न्यूज आया। पूरे इंडिया में सिर्फ एक झारखंड स्टेट ऐसा है जहाँ पर केवल 1 रुपये में रजिस्ट्री होती है। अगर आपने फीमेल के नाम से, लेडीज़ के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी ली है, लैंड या कोई प्रॉपर्टी आपने ली है, तो केवल 1 रुपये में रजिस्ट्री होती है। तो बड़ी सोचने की बात है कि अगर हम लोग अगर थोड़ा सा रिबेट कर दें। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि मैं तो कई जगह जाता हूँ, अभी मैंने रिसेंटली दिल्ली जाता हूँ, बॉम्बे जाता हूँ, आपको यूपी गया, गाज़ियाबाद गया, नोएडा गया, हैरानगी की बात यह है कि 10% खर्चा भी अगर होता है
तो रजिस्ट्री कोर्ट में ना तो कहीं बैठने की जगह है, इतनी धक्का मुक्की होती है, ना कहीं एक गिलास पानी पीने का इंतजाम है, ना कहीं आप फैमिली के साथ जाते हैं तो आप खड़े रहिए, मतलब आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है बट आपकी खुद कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है। ये तो आपकी मजबूरी है हमें कि कोर्ट में जाना पड़ता है रजिस्ट्री कराने के लिए। तो सरकार को थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, वही जो आदमी हम जो इतने कलेक्शन कर रहे हैं तो क्यों नहीं इसको हाईफाई हाई टेक्निक बैठने का, जो क्लाइंट आते हैं उनको, वो भी तो आपके क्लाइंट है, वो भी तो रेवेन्यू गवर्नमेंट को भी तो सेलर और परचेजर से मिलता है। तो छोटी सी विनती है, तो थोड़ा सा सरकार को इस तरह के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। थैंक यू एवरीबडी। मैं ब्रांड रिपोर्टर।